नमः शिवाय। मैं रितिका स्पिरिचुअल इंडियन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज ललिता सहस्त्र नाम सीरीज में हम माँ त्रिपुर सुंदरी के 1000 नामों का सरल हिंदी में अर्थ समझेंगे। अब तक हमने श्लोक 75 तक का अर्थ समझ लिया है। अगर आपने श्लोक 1 से 75 तक का अर्थ नहीं समझा है तो मैं आई बटन पे लिंक दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपके पास ललिता सहस्त्र नाम नहीं है और ललिता सहस्त्र नाम आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं www.ritikagrawal.com ebooks, वहां से जाकर के आप ललिता सहस्त्र नाम डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं और माँ की प्रार्थना में अपनी ये यात्रा शुरू कर सकते हैं। आपसे बस एक विनम्र निवेदन है कि जब भी हम किसी से कोई चीज़ें तो एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो इस पुस्तक का तो कोई मूल नहीं क्योंकि एक ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन हाँ कुछ अच्छे कार्य में जैसे एक अनाथ बच्चे के लिए कुछ खाना या उसका जो भी आपका सामर्थ्य है, जितना भी आपका सामर्थ्य है या जितना भी कर सकें वो ज़रूर करिएगा। एक बच्चे को पार्ले जी का पैकेट देना, आपके ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपके दिल से कितना है, वो आप दिल से और आपके सामर्थ्य से आप गौ सेवा या नारायण सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 76। क्षेत्र स्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता क्षेत्रपाल समर्चिता। अब ब्रेक करते हैं वर्ड। क्षेत्र स्वरूपा, क्षेत्र मतलब क्या होता है? एरिया। स्वरूपा मतलब फॉर्म, रूप। तो अब यहाँ कहने का क्षेत्र का मतलब है बॉडी, जो इस बॉडी के फॉर्म में है, इस शरीर, जो ये हमारा पंच तत्वों का बना शरीर है ना, जो इस शरीर के इंच पंच तत्वों के बने शरीर के फॉर्म में है, वो कौन है? माँ ललिता त्रिपुरांबिका। हमें लग रहा है ये शरीर हमारा है, लेकिन ये शरीर किसका दिया हुआ है? पंच तत्वों का, माँ जगत जननी त्रिपुर सुंदरी का। क्षेत्रेशी, क्षेत्रेशी मतलब रूलर ऑफ द बॉडी, क्षेत्रेशी जो इस शरीर को चला रहा है। कौन चला रहा है? हमें लग रहा है हम चला रहे हैं, लेकिन शी इज द वन हु इज द रूलर ऑफ द बॉडी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी। अब क्षेत्र मतलब क्या था? ये बॉडी है। क्षेत्रज्ञ मतलब सोल, हमारी सोल। पालिनी मतलब जो पालन करता, ब्रेक किया ना, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ पालिनी। तो यहाँ कहने का मतलब है क्षेत्र जो हमारी इस बॉडी को चला रहा है, जो हमारी सोल को चला रहा है, पालिनी मतलब जो पालन कर रहा है, तो वो कौन है? वो माँ मेरी त्रिपुर सुंदरी है। तो अब इस लाइन का मतलब समझे, क्षेत्र स्वरूपा जो इस बॉडी के फॉर्म में, हमें लगता है ये हमारी बॉडी है लेकिन फॉर्म तो उसी का है, क्षेत्रेशी जो रूलर है इस बॉडी का, क्षेत्र बॉडी, क्षेत्रज्ञ सोल, पालिनी जो पालन कर रहा है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट्स ट्राइंग टू से जो इस बॉडी, माई बॉडी, हमारी बॉडी और सोल को जो पालन कर रहा है, जो रूल कर रहा है, वो कौन है? वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता, क्षय मतलब डिके, मतलब घट रहा है, वृद्धि मतलब ग्रो हो रही है, ठीक। विनिर्मुक्ता, हमारी बॉडी क्या हो रही है? दिन पे दिन हमें दिख रहा है ना कि ये डिके भी हो रही है और ग्रो भी हो रही है, एज वाइज हम ग्रो कर रहे हैं और जो हमारा जैसे जैसे एज बढ़ रही है बॉडी के जो फंक्शन है वो डिके हो रहे हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है? क्षय वृद्धि विनिर्मुक्ता, जो इन सबसे बियॉन्ड है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो तो ऐसी हो रही है लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी इन सब से बियॉन्ड है, ना ही वो डिके हो रही, ना ही वो घटती है, ना ही वो बढ़ती है, वो इन सब से ना वृद्धि होती है, ना ही उसका विकार है, इन सब से जो हटके है वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। क्षेत्र पाल समर्चिता, अभी बताया था ना क्षेत्र कौन है? जो बॉडी है क्षेत्रपाल, पाल मतलब सर्वेंट, तो क्षेत्रपाल कौन है? हम है, जो समर्चिता, जो इस हम बॉडी की, अपनी माइंड बॉडी सोल की क्या है? रक्षा कर रहे हैं, उसके द्वारा जो अर्चित है, कौन है? हमारे द्वारा जो पूजित है वो समर्चिता माँ त्रिपुर सुंदरी है, ठीक। श्लोक नंबर 77। विजया विमला वंद्या वंदारुजन वत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वहनी मंडल वासिनी। विजया, जिसको कोई नहीं जीत सकता, आज ये है मेरी माँ त्रिपुर सुंदरी। विमला, स्वच्छ निर्मल, हमारी प्योरेस्ट ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। वंद्या, पूजनीय, वंदारुजन
वत्सला। देखो मैं ब्रेक कर करके पढ़ रही हूँ ताकि आपके लिए ये इजी हो पढ़ना। मैंने ये चैलेंज फेस किया था जब 2015 में मैंने ललिता सहस्त्रनाम की चैंटिंग शुरू करी थी, तो मैं सच में, मुझे इतना ब्रेक करके कोई बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था, तो मैं बस पढ़ जाती थी। पर यहाँ मैं ब्रेक कर करके आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि जब आप पढ़ें तो एक हिंदी आपको जो मैंने समझाया आप माँ के उस भाव से जुड़ सकें और इसको आप सही पढ़ें। वंदारुजन वत्सला मतलब वात्सल्य, वत्सल वत्सला मतलब वात्सल्य, ममता का भाव, जो उसकी वंदना करता है, जो माँ की साधना करता है। हम माँ बुलाते हैं ना, तो माँ कैसी होती है? ममता से भरी होती है। आपकी माँ कैसी है? एकदम तो ममता से भरी है। अपने बच्चे को बोली ना, हाँ मेरा बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, चाहे कुपुत्रो भवते कुमाता न भवते, है ना? तो वो तो जगत जननी है, अन्नपूर्णा के रूप में आपको खिला रही है, आपका पालन कर रही है, आपकी रक्षा कर रही है। वो तो पूरे ब्रह्मांड, अखिल ब्रह्मांड नायिका है, श्री माता है, आपकी जगत जननी है, तो कैसी होगी? माँ तो उसी के स्वरूप है ना। अभी मदर्स डे हमने मनाया है कल, तो वात्सल्य एकदम ममता का अथाह सागर है। वाग्वादिनी, वाग्वादिनी मतलब वाग देवियां, शब्दों की जननी। तो वो क्या है? माँ इन शब्दों की जननी, जो पावर ऑफ स्पीच है। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ बोल रहे हैं, तो वो माँ सरस्वती की कृपा है ना, वो वाग देवियां हैं। उन वाग देवी की कृपा से, तो बिना उनकी कृपा के ये पावर ऑफ स्पीच आपको नहीं होगी। तो यही बोल रहे हैं, वाग वादिनी, सब शब्दों का मूल कौन है? उमा त्रिपुर सुंदरी है। वाम केश, केश मतलब बाल, जिसके बहुत कर्ली लॉक्स ऑफ एयर है। इनिशियली आप ललिता सहस्रनाम का श्लोक देखिए, वहां पे माँ के बालों की बात की गई है, तो सुंदर केश है, वे वामा है। वहनी मंडल वासिनी नमा, वहनी मंडल वासिनी मतलब वो अग्नि के बीच में रहती है, जो एक सर्किल है, एक गोल अग्नि के बीच में रहती है। तो वो अग्नि का सर्किल हमारी, अगर हम बॉडी की बात करें, तो वो हमारे मणिपुर चक्र, सात चक्र होते हैं ना, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, उससे चार अंगुल ऊपर स्वाधिष्ठान, नाभि चक्र जो मणिपुर होता है, तो वहाँ मणिपुर चक्र की बात की जा रही है कि वो मणिपुर चक्र वहनी मंडल वासिनी वो वहाँ रहती हैं। भक्ति मत कल्प लतिका पशुपाश विमोचनी संग्रताशेष पाशंडा सदाचार प्रवर्तिका। भक्ति मत, भक्ति मत जो भक्ति में उसकी भक्ति करते हैं, कल्प लतिका एक लता, एक बेल की तरह है जो आपकी सारी डिजायर को फुलफिल कर देती। तो भक्ति मत कल्प लतिका, शी इज लाइक अ विशीलिंग ट्री हु विल फुलफिल ऑल योर डिजायर। जो भी आपके मन में डिजायर है, वो माँ इतनी करुणा की सागर है, आप बच्चे की तरह माँ के पास जाएंगे, बताएंगे, जैसे बच्चे को जो जरूरत होती है ना, माँ के पास जाता है, हाँ माँ मुझे ये चाहिए, माँ मुझे, और वो आपकी सारी डिजायर्स जो फुलफिल कर सकती है। तो कल्प लतिका एक ऐसा पेड़ है जो आपकी सारी डिजायर फुलफिल करता है, उसके नीचे खड़े होते। तो यहाँ पे एक सिंबल दिया गया है कि माँ उस कल्प लतिका की तरह है जो आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देती है। लेकिन सबसे अच्छी इच्छा क्या होती है? जब हम माँ त्रिपुर सुंदरी को सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर कर देते हैं मतलब, माँ तुम जो कर रही हो, जैसा कर रही हो, मुझे पता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चा हूँ। और माँ हमेशा अपने बच्चे के लिए भला करती है, कभी माँ उसका गलत नहीं सोचेगी। तो मैं तुम्हें तन मन धन से सरेंडर करता हूँ, करती हूँ, और तुम्हारी, मैं अब तुम्हारी नैया में बैठी हूँ, तुम मेरे पतवार हो, तुम जिस डायरेक्शन में ले जाओ, मेरी विश यही है, क्योंकि मुझे पता है माँ तुम हमेशा मेरे लिए अच्छा ही करूंगी। पशुपाश विमोचनी, पशुपाश मतलब इग्नोरेंस, इग्नोरेंस जो आपका बॉन्ड ऑफ इग्नोरेंस, हम क्या है, हम अज्ञान में है, राग द्वेष इन सब के संस्कारों से वशीभूत है। तो जो, और इसकी वजह से हमारे अंदर मूढ़ता उत्पन्न होती है। तो जो इन सबको हमारे अंदर से, इन राग द्वेष रज तम सत, इन सारे संस्कारों से, ये जो मूढ़ता के संस्कार, इन सब से हमें हटा देती है, और कहते हैं ना भोग और मोक्ष, तो ये इनको जो हर लेती है वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है, जो हमारी अंदर की इग्नोरेंस है उसको जो रिमूव कर दे, पशुपाश विमोचनी, दैट इज माँ त्रिपुर सुंदरी। संग्रिता शेष पाशंडा सदाचार प्रवर्तिका, धर्म विरुद्ध आचरण जो करने वाले हैं उनको हमारी जिंदगी से जो हटा देती है वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। सदाचार प्रवर्तिका, जो
सत्कर्म करने की हमें प्रेरणा देती है, जो हमेशा हमें सिखाती है कि सदाचार के रास्ते पे चलना चाहिए। वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। अब श्लोक नंबर 79, ताप्त्रय अग्नि संतप्त संभालादन चंद्रिका तरुणी तापसाराध्या तनु मध्या तमोपा। सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ताप, तीन तरह के ताप होते हैं। इसका मतलब है जो इन तीनों तरह के तापों को हर लेती है, और चंद्रिका, चंद्रिका मतलब जो शीतलता प्रदान करे। चंद्र क्या देता है? शीतलता देता है, तो हमें वो इन तापों को हर के जो शीतलता प्रदान करती है। अब वो तीन तरह के ताप कौन से होते हैं? पहला ताप होता है फिजिकल बॉडी का ताप। फिजिकल बॉडी में हमारी बीमारी आ गई है, ठीक है, कभी आपको डायबिटीज हो रहा है, कभी माइग्रेन है, जो भी तरह के हमारे बेस्ड ऑन द कर्मा, क्योंकि हमें कोई बीमारी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारी सारी बीमारियां मन से, द इंप्रेशन इन द कर्माज विच वी क्रिएट। तो जो इन तरह के फिजिकल बॉडी के इन तापों को हर लेती है, इसकी वजह से ताप मतलब दुख होता है ना, तो अग्नि क्या करती है? आपको तपाती है, आपको दुख देती है, तो जो इस तापों को माँ हर लेती है। दूसरा मेंटल, मेंटल एगोनी। अब कुछ हो गया, अच्छा नहीं हुआ आपके घर में, डिप्रेशन है, कोई बहुत अच्छी घटना नहीं हुई जिसकी वजह से आपको बहुत अंदर से दुख हुआ, उन जो मेंटल एगोनी है उनको जो हर ले और शीतलता प्रदान करे। तीसरा ताप कॉज बाय कैलामिटीज, जैसे आपकी भूकंप आ गया है या फिर साइक्लोन्स आ रहे हैं, तो इन तरह के जो ताप होते हैं उनको जो हर ले वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। तरुणी, तरुणी मतलब यंग, जो हमेशा यंग रहते भी बताए थे ना, जिसका ना कोई क्षय है ना वृद्धि है, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी। तो हमेशा जो हमेशा ये यंग है। तापसा राध्या, तपस्वियों की जो आराध्या है, तपस्वी क्या करते हैं? उनकी पूजा, वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। तनु मध्या तमो पहा, तनु मध्या शी इज द वन हु इज हैविंग वेरी स्लेंडर वेस्ट। यहाँ कुंडलिनी की भी बात करी जा रही है, और अगर आप पहले के श्लोक में देखेंगे जहाँ माँ की कमर की बात करी गई है, तमोपहा जो अज्ञान को नष्ट कर देती है, तो वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। कौन है? आंख बंद करिए, फिर से देखिए, करिए, वो माँ त्रिपुर सुंदरी कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी वो है जो तीनों तरह के तापों को, देखिए आपके अंदर जो कितना सुरक्षा का भाव आएगा, तो मेरी माँ कौन है जो तीनों तरह के तापों को हर लेती है, चाहे वो फिजिकल बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे मेंटल बॉडी से रिलेटेड हो, चाहे सुपर नेचुरल। देखिए आना तो है आपकी जिंदगी में, लेकिन आप उसको देखते कैसे हैं और उसका कितना कॉन्सिक्वेंसेस आपको होता है, क्योंकि कर्मा के प्रिंसिपल से तो कोई नहीं बच सकता, लेकिन माँ की ममता उसकी हमेशा आप पर रहेगी और वो शीतलता बना के रखेगी आप पे। तो उन तापों से जो आपको हटा के शीतलता प्रदान करती है वो कौन है? माँ त्रिपुर सुंदरी है। तापसाराध्या जो तपस्वियों की भी आराध्या है, तनु मध्या जिनकी बहुत स्लेंडर वेस्ट है, पतली कमर है, तमोपहा मतलब जो हमारे अंदर अज्ञान का अंधेरा है उसे नष्ट कर देती है, वो कौन है? उमा त्रिपुर सुंदरी है। श्लोक नंबर 80, चिति तत्पद लक्ष्यार्था चिदेक रस रूपिणी स्वात्मानंद लवीभूत ब्रह्मा ज्ञानंद संतति। चिति मतलब कॉन्शियसनेस, तत्, तत इज लाइक, अगर वेदों को देखा जाए तो तत जो डिफाइन किया जाता है वो ब्रह्म को किया जाता है, कॉन्शियसनेस, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है जो तत के स्वरूप में है, जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में है, जो बियॉन्ड दैट है, सबसे हाई है। स्वात्मानंद लवीभूत, जब हम अपनी आत्मा में स्थित होते हैं, जब हम हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन जाते हैं, तो वी एक्सपीरियंस द ब्लिस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो एक ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी आत्मा में जो आनंद अनुभूत करते हैं, वो कौन है? वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। ब्रह्मा ज्ञानंद संतति, तो जो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जो अपनी आत्मा में जाके जो आनंद एक्सपीरियंस करते हैं, वो उसका सिर्फ माँ त्रिपुर सुंदरी का फ्रैक्शन है, सिर्फ दैट इज द, वो उसका सिर्फ फ्रैक्शन मात्र है। तो जो हर जगह कॉन्शियसनेस, इस श्लोक करते जो हर जगह कॉन्शियसनेस के रूप में प्रिवेल है, हर जगह वो तत्व के रूप में है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस है, वो माँ त्रिपुर सुंदरी है। और जो अपनी आत्मा में हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन में जाके हम जो आनंद अनुभूति करते हैं, या जो ब्रह्मा जिन्होंने इस सृष्टि को क्रिएट किया वो उस आनंद को अनुभूति करते हैं, सोचिए वो माँ त्रिपुर सुंदरी कितनी आनंद स्वरूप होगी, क्योंकि वो जो ब्रह्मा आनंद महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ उसका अंश मात्र है। ये था श्लोक 80।
अब अगले वीडियो में हम श्लोक 81 से समझेंगे। नमः शिवाय।